हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8 क्लास और हमारा यूनिट 23 चल रहा है जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 23 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा, 8 के मैथ के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 42 है। लेक्चर नंबर 41 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और उसके अंदर हिस्टोग्राम को बनाना सीखा। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, वो अभी तक इस चैनल पर न्यू है, सो बेटा उससे गुजारिश है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर आप इन तमाम लेक्चर्स का विजिट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को शुरू से देखेंगे तो आपको मैथ की बेहतर तरीके से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है कि आपको द फॉलोइंग शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, फाइंड द रेंज एंड मीन। यानी ये एक अनग्रुप डाटा है, यहां से आपने मीन को फाइंड करना होगा और मीन को फाइंड करने का फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है। एक्स रेज एक्स के ऊपर अगर बार आ जाए सो ये सिंबल जो है ये मीन को शो करती है, यानी मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। अगर आप तमाम एक्स जितने भी इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज गिवन है ये एक्स ही है, इन सब का सम करके इनके नंबर पर डिवाइड कर देंगे सो मीन निकल आएगी। एक्स के ऊपर अगर बार है सो ये मीन को जाहिर करेगी, लेकिन अगर एक्स के ऊपर ये बार थोड़ा सा कर्व में हो सो ये मीडियन को जाहिर करेगा, इसका फार्मूला फर्क है। और अगर एक्स के ऊपर कैप हो सो ये मोड को जाहिर करेगा। आपने इन सिंबल्स का बेहद ख्याल करना है, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी इन सिंबल्स के बारे में पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि ये एक्स के ऊपर कैप है सो ये कौन सी सिंबल किसको डिनोट करती है। सो अब हम सबसे पहले देखिए, इसके अंदर दो चीजें गिवन है कि रेंज फाइंड करें और मीन फाइंड करें। सो रेंज के लिए आपने याद रखना है कि इस वैल्यू के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू को पहले फाइंड करना है और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। यानी मैक्सिमम इस नंबर के अंदर देखें जो वैल्यू पाई जा रही है वो 45 है सो 45 लिख लिया, और मिनिमम वैल्यू अगर देखें सो 18 और ये 18 है। सो इसकी रेंज क्या निकलेगी, रेंज का जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है, एक्स एम यानी एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स नोड। एक्स मैक्सिमम मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू में से अगर आप छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे सो इससे रेंज निकल आएगी। सो हम क्या करेंगे, 45 माइनस 18 सो हमारी जो रेंज आएगी वो देखें किसकी इक्वल आएगी। सो रेंज इक्वल टू अगर 45 में से 18 निकालते हैं सो बेटा 27 जो है आपकी रेंज निकल आई है। नंबर टू गिवन है कि यहां से आपने इसी डाटा के अंदर से मीन को फाइंड करना है। सो मीन को फाइंड करने के लिए आपने इन तमाम नंबर्स का सम करना है। इन तमाम नंबर्स का सम करने के बाद इन्हीं के नंबर पर, यानी इन्हीं से नंबर से मुराद कि आपने नंबर को गिनना है कितने है। सो ये नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 10 है सो 10 से आपने उसे डिवाइड कर देना है। सो हम यहां पर लिखेंगे कि सम ऑफ वैल्यूज, यानी सम ऑफ वैल्यूज कितना आ रहा है, इन सब को आपने सम करना है। सो सम करने से कितना आ रहा है, 40 प्लस 35 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 22 प्लस 45 प्लस 38 और प्लस 30 एंड प्लस 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बिल्कुल ठीक 10 ही वैल्यूज है। इन सब को बेटा अगर आप सम करते हैं सो सम इक्वल टू 304 के आ रहा है, यानी इन सब का टोटल अगर करेंगे सो 304 आएगा। अब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है ये लिख लें, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 10। सो मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन, सो एक्स बार इज इक्वल टू 304 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, और देखें ये इसको जैसे ही आप डिवाइड कर देंगे सो 30.4 जो है वो आपकी मीन निकल आएगी। यानी क्या किया, सब वैल्यूज को जमा करके उनके नंबर पर डिवाइड कर देंगे सो आपके पास मीन आ जाएगी। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है draw histogram of the following data which gives the ages of doctors working in a city. yani ek city ke andar jo mukhtalif ages ke doctor kaam kar rahe hain unki ages given hain,
इससे हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना होगा। बेटा हिस्टोग्राम बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से ड्रॉ करेंगे जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर करके आए हैं। अगर तो आपने उस क्वेश्चन को या उसके लेक्चर नंबर 41 को नहीं देखा सो बेटा उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने हिस्टोग्राम को बनाना सीखा। अब हम इससे भी हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। आपने क्या करना है, अपनी कॉपी के ऊपर कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी आपने इस तरह से, यानी इसको एक्स का नाम देना है और इसको वाई का नाम देना है। अब आप जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी इसको आपने एक्स एक्सिस के ऊपर शो कर लेना, यानी 25 से 30, 35, यानी 25 से 50 तक, बल्कि 55, देखिए 50 और 55 ये आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। समझ लें यहाँ पर जो है 5, 10, हम 25 से शुरू करेंगे, सो 5, 10, 15, 20 जो है वो यहाँ नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो हम यहाँ से शुरू करेंगे। समझ लें ये 5 है, फिर 5 के बाद ये 10, 15, हर एक जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन के दरमियान में जो इंटरवल है वो 5 का है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चले यहां पर मैं अभी लिख लेता हूं जो मेरे पास क्लासेस में 25 गिवन है। सो यहां पर मैं लिखता हूं 25, 25 से 30, सो 35, 40, 45, 50 एंड 55। सो लास्ट नंबर भी मेरे पास देखें, सो 55 ही है। सो हमने ये इनको एक्स एक्सिस के ऊपर क्लासेस को लिख लिया, यानी एजेस को लिख लिया। दूसरा हमने इनकी यहां पर जो है वो इनकी नंबर ऑफ डॉक्टर्स को शो करना है। सो वाई एक्सिस के ऊपर हम इनके क्या करते हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स को शो करते हैं। सो नंबर ऑफ डॉक्टर्स को शो करने से पहले आपने देखना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 25 है और मिनिमम वैल्यू 5 है। सो हम यहां पर 5 का इंटरवल लगाते हैं, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। ऊपर आप 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 25 है, सो मैं 25 तक लिखता हूं। सो 15, 20 एंड 25। अब हिस्टोग्राम जो शो करेंगे, देखें सबसे पहले 25 से 30 तक जो ग्राफ उठा है वो 12 तक है, यानी नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है उसमें 12 है। सो हम क्या करेंगे, आपने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा मतलब यहां से लाइन ड्रॉ करनी है 25 से लेकर 12, यानी 10 यहां तक है और 12 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, यानी यहां तक। यहां से आप बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन नीचे को लेकर आएंगे 25 तक और इसको आपने कुछ इस तरह से 30 तक बना देना है। एक बार को इस तरह बनाना है, यानी 25 से 30 तक जो है वो आपका ग्राफ जो है वो 12 तक उठेगा। इसके बाद 30 से 35, यानी ये 30 से 35 जो ग्राफ है वो 15 तक है। सो आपने इसी ग्राफ से ऊपर को जाना है और ये 12, 15 के सामने बिल्कुल आपने ऐसे नीचे को 35 तक आ जाना है। आपका दूसरा कॉलम इस तरह से बनेगा। थर्ड देखें, सो 35 से 40 है, सो 18 है। 18 देखिए 20 से नीचे होगा, कुछ यहां पर आएगा। सो हम ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे और इसी तरह से एक कॉलम और मजीद नीचे को आप ड्रॉ कर देंगे और उस कॉलम को आपने बिल्कुल 40 के सामने लेकर आना है। अब 40 से 45 अगर देखें, सो वो हमारे पास 25 तक ग्राफ उठा। सो 25 तक अब हम ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे, ये देखें 25 के बिल्कुल सामने रखेंगे इसे और उसको नीचे 45 तक नीचे ड्रॉ कर देंगे। 45 से 50 तक 10 है, सो 10 के बिल्कुल सामने देखें यहाँ पर है। सो हम इसको क्या करेंगे, ये देखें ना 10 यहाँ पर आएगा, सो 10 को हम 50 की तरफ नीचे ड्रॉ करेंगे, यानी 45 से 50 तक जो ग्राफ उठा है वो 10% है, यानी 10 नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं। 50 से 55 तक देखें, सो 5 है। सो दोबारा से आप इस 5 के सामने ग्राफ जो है इस कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसको भी नीचे को इस तरह से शो कर देंगे। सो यहाँ पर आप एक साइड पे लिख भी दें कि हमने जो ये ड्रॉ किया है वो हिस्टोग्राम है जो कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स की एजेस को डिस्कस कर रहा है, यानी 20 से 25 जो शहर के अंदर डॉक्टर काम कर रहे हैं वो तकरीबन 12 हैं और 30 से 35 जो काम कर रहे हैं वो तकरीबन 15 हैं। ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि 40 से 45 जो एज के डॉक्टर हैं वो सबसे ज्यादा सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नाइन आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये अक्सर पेपर में देखा जाता है। सो बेटा इसको मार्क करें। इसमें देखिए लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी जस्ट आपको ये एक लाइन गिवन है कि आपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की मीन को फाइंड करना है। सो मीन का फॉर्मूला हम अभी सीख चुके हैं, यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन, यानी मीन किसके इक्वल होगी कि अगर आप टोटल नंबर्स को प्लस करेंगे और उनके नंबर पर डिवाइड करेंगे सो इससे हम मीन को निकाल लेंगे। सो अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं कौन से? आप देखिए नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 100 चलते जाते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर काउंटिंग नंबर हैं ये तमाम नेचुरल नंबर ही हैं। सो यहां पर 10 नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब चेक करें देखें कि क्या ये टोटल 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 तक ही ये तमाम नंबर जो है वो 10 बनते हैं। अब इनकी हमें मीन फाइंड करनी है। सो अब अगर हम इनका टोटल करते हैं सो हम लिखेंगे टोटल ऑफ, इनका टोटल ऑफ 10 नेचुरल नंबर का क्या आता है, 10 नेचुरल नंबर्स। सो नंबर को मैं नो से डिनोट कर रहा हूं। सो बेटा अगर आप इन सब को प्लस कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 and + 10। सो अगर टोटल हम इनको करते हैं सो टोटल हमारे पास 55 आएगा, यानी इन सब का सम जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 55। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है ये अगर आप चेक करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज इसके अंदर जो है वो 10 है। सो अरिथमेटिक मीन यानी एम ई ए एन और एक्स बार जो है ये मीन को ही जाहिर करेगा, समेशन एक्स ओवर एन। सो समेशन एक्स 55 डिवाइडेड बाय 10 है, सो हमारे पास जो मीन आएगी इनकी वो 5.5 आ जाएगी। सो ये आपका पार्ट है जहां पर आप क्या करेंगे 10 नेचुरल नंबर को, यानी 10 नेचुरल नंबर को प्लस करके टोटल करेंगे तो उनका 55 आएगा। उनके नंबर ऑफ वैल्यूज अगर चेक करें सो 10 है, सो 10 पे हम इसे डिवाइड कर देंगे सो हमारे पास इसकी मीन निकल आएगी। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 में भी लिखा है डिटरमाइन द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 ओड इन नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट जो 8 ओड नेचुरल नंबर है हमने उनकी मीन को डिटरमाइन करना है यहाँ पर। सो बेटा ये भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। सो ओड नंबर ऐसे नंबर को बोला जाता है जो 2 पर पूरा पूरा डिवाइड ना होता हो। सो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर जो ओड होंगे वो कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब चेक करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 15 तक जो है ये टोटल 8 नंबर बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमें यहां पर भी देखें सो मीन ही फाइंड करनी है, यानी समेशन एक्स ओवर एन ये इसका फॉर्मूला है। सो सबसे पहले हम इन 10 नेचुरल ओड नंबर जो है इन, बल्कि 8 नेचुरल ओड नंबर जो है इनका सम करते हैं वो क्या आता है। सो हम लिखेंगे सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ 8 ओड नंबर्स, यानी ओड नंबर्स 8 ओड नंबर्स का जब हम सम करेंगे सो बेटा टोटल इनका करेंगे सो आपके पास 64 आएगा। आप इन सब को टोटल करें सो 4 आएगा। सो इसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज इक्वल टू 8। सो अब हम लिखेंगे मीन, यानी मीन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एक्स बार, और ये किसके इक्वल है, समेशन एक्स ओवर एन। सो यहाँ पर हमारे पास जो समेशन एक्स है वो 64 है और इसको 8 पे अगर हम डिवाइड करते हैं, 8 पे अगर डिवाइड करते हैं सो हमारे पास आंसर 8 ही आएगा। सो हमारी जो अरिथमेटिक मीन आई है फर्स्ट ओड 8 इंटीजर्स की वो 8 है। सो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हुआ। सो बेटा आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बकिया क्वेश्चंस को लेक्चर नंबर 43 के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।